तो प्लीज 1 रुपया में मुझे कुछ दे दो। 10 रुपया में पूरा दिन गुजारना Impossible. बर्तन धोने बोलोगे बर्तन धो दूंगी, मैं चल के जाके डिलीवरी करके आऊंगी। पेश है स्कॉच ब्राइट स्क्रब स्पॉन्ज, 10 रुपया में दूंगी। एकदम से ली जाइए, मुंह तो बंद करो अंकल। 3 रुपया दे सकती हूँ। आइसक्रीम मेरे पास ना 6 रुपया ही है, तो आप 3 दे दोगे? खाई ले पानी पूरी। 5 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, बहुत दिनों से ये सब चैलेंज आप कर रहे हो मिस, तो आज चैलेंज करेंगे विद 10 रुपीज। गाइस लास्ट टाइम मैंने 0 रुपीज में चैलेंज किया था, और इस बार तो बजट बहुत ज्यादा है 10 रुपीज। बट अगर सच में बोलूँ तो 10 रुपीज में 24 आवर्स गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि मैं एक्चुअली 10 रुपीज में 24 आवर्स गुजार पाऊंगी या नहीं। तो चलो यार जल्दी से चैलेंज स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहा है सुबह के 10, एंड आपको सच सच बता रही हूँ कोलकाता का ना अभी टेम्परेचर चल रहा था 42 डिग्री, ठीक है ना, और आज मैं शूट करने निकली हूँ तो बारिश की जाए इसलिए बारिश हो रहा है। बट मुझे सुबह सुबह थोड़ा सा चाय पानी तो चाहिए यार, तो देखते हैं, मेरे पास 10 रुपया तो है, बट मैं कोशिश करूंगी जितना कम हो सके उतना स्पेंड करने का। उस साइड में ही एक चाय की टपरी है गाइस, तो अभी चलो वहाँ पे चलते हैं। कल का दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज में गुजारना है, बट मैंने तो सेविंग्स करना आज से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि पर्पल में चल रहा है सेल, और मैंने ले लिया है गुड वाइब्स का इंस्टा ग्लो उबटन फेस वॉश। गाइस इस फेस वॉश के अंदर कोई भी पैराबेंस या मिनरल ऑयल नहीं है, एंड इसके अंदर ना उबटन का नेचुरल गुडनेस भी है। ये हमारे स्किन को बिल्कुल विद इन से डीप क्लेंस करता है, एंड थोड़ा सा एक्सफोलिएट भी करता है, जो हमारे स्किन को बहुत ही चार्मिंग वाला लुक देता है, एंड बहुत सुंदर एक ग्लो भी देता है। इसके अंदर हल्दी, सैफरन और भी बहुत अच्छी अमेजिंग चीजों का गुडनेस है। गाइस 5th मई से 13th मई तक पर्पल में है आई हर्ट ब्यूटी सेल, एंड 5th मई पे मिलेगा बाय वन गेट वन ऑफर भी, जहाँ पे आपको मिलेंगे बेस्ट ऑफर्स, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जल्दी जाओ और चेकआउट करो। गाइस मुझे करना तो है चैलेंज, बट डर लग रहा है यार मुझे भगा ना दे। भैया एक चीज आपको बता रही हूँ, एक्चुअली ना आज मुझे एक चैलेंज मिला है जहाँ पे मैं ज्यादा पैसा बिल्कुल नहीं खर्चा कर सकती, ठीक है, मतलब मुझे पूरा दिन 10 रुपए में ही गुजारना पड़ेगा, आज का पूरा दिन 10 रुपए। हाँ तो मैंने सुबह से बिल्कुल चाय पानी कुछ नहीं पिया, ठीक है, तो आपके यहाँ पे चाय कितना करके है? 6 रुपया। 6 रुपया आप मुझे 1 रुपया में, 1 रुपया में कुछ दे सकते हो? मतलब थोड़ा सा दे दो। हाँ दे दो, देखो आपका भला हो जाएगा, मतलब एक भूखी लड़की को, प्यासी लड़की को आप कुछ खिला रहे हो तो आपका अच्छा होगा ना। क्या चल गया रहा है? तो प्लीज 1 रुपया में मुझे कुछ दे दो। आपका इतना बड़ा कप होता है छोटा वाला, जो आप उसका हाफ दे दो ऐसे। 3 रुपया। थोड़ा सा दे दो बस, एकदम हाँ, जस्ट फॉर टेस्ट, ठीक है, थैंक यू। ये लो। कौन है ये लोग? 1 रुपया। हाँ 1 रुपया, 1 रुपया प्लीज। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भैया अगर आप चाहो तो एक बिस्किट फ्री में दे सकते हो। बोल रहा है फ्री में दुकानदार कुछ नहीं देता, तो इसीलिए बोल रहे हो गाइस 10 रुपया में पूरा दिन गुजारना इम्पॉसिबल है। क्या बिस्कुट? आप जो खिलाओगे, आप केक खिला दो, बिस्किट खिला दो, जो आप फ्री में खिलाओगे मैं खा लूंगी। थैंक यू गाइस, मुझे तो फ्री में यहाँ पे केक भी मिल गया है। थैंक यू, चाय और केक दोनों एक साथ में मिल गया, और भैया ने पूरा दिया, मतलब फुल कप दिया है। गरम चाय की प्याले हो। यार 1 रुपए की जो चाय होती है ना उसका तो यार टेस्ट ही अलग होता है। यार खाना तो खा लिया, पर मैंने मेरा पैसा वापस नहीं लिया। भैया 9 रुपया, 9 रुपया, 9 रुपया। थैंक यू गाइस, ये जो चिल्लर देखा ना, इसी चिल्लर से आज का पूरा दिन मुझे गुजारना पड़ेगा। गाइस अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, मतलब 12:30 तो बज ही चुका है, एंड सामने ना मुझे एक फल का दुकान दिख रहा है, मतलब वहाँ पे अमरूद वगैरह और भी सारी चीजें है, तो चलो वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि हमें मिलता है कुछ इतने चिल्लर में।
कितना करके है? 80 रुपये। एक पीस 10 रुपये होगा। छोटा पीस 7 रुपये होगा। 7 रुपये होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास देखो आप 9 रुपया है, ठीक है, और इस 9 रुपये से मुझे पूरा दिन गुजारना पड़ेगा। अच्छा मैं एक काम करूँ, मैं आपका सेल कराऊँ तो फिर आप मुझे प्रॉफिट से एक दे देना, एक दे देना, बस एक करा दूँ सेल। भैया अमरूद लोगे? बिल्कुल मीठा, मतलब अमरूद खाओ और खुद खो जाओ। इतना मीठा अमरूद है ना कि चीनी भी इतना मीठा नहीं होता। सारे दिन इसके साथ रह जाएंगे ना, इसको पूरा सेल हो जाएगा। आप एक ले लो प्लीज, मैं सारा दिन तो फिकर भी नहीं है। इतना मीठा अमरूद है ना, आप खाओगे आपको दुआ भी मिलेगा। और लगता है बट ये वाला अच्छा लगे, ये अच्छा अमरूद है ना, ये वाला आपको अच्छा लगेगा पक्का। अपन रहते हैं सख्ती से। अच्छा ये लो, ये जो छोटा वाला है ये 10 रुपया में दे सकते हैं हम। ये टच करने से भी 2 रुपया है। बट ये मैं आपको 10 रुपया में दूंगी। मुझे एकदम से ले जाइए। अपन ऐसे पिघलते नहीं है। मुंह तो बंद करो अंकल। भैया ये जो अमरूद देख रहे हो ना, हाँ। इस अमरूद में आपको आम और अमरूद दोनों का मजा आएगा। मतलब अमरूद खाओ खो जाओ, बहुत मीठा है भैया। एक बार आप ट्राई करके तो देखो, घर पे लेके जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। लोग खुश हो जाएंगे। बस 10 रुपया में दे दूंगी मैं आपको। नहीं, 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 बस 10 रुपया में दे दूंगी। 10 रुपया में? हाँ दे दूँ। थैंक यू भैया, ये लो 10 रुपया। अभी 10 रुपया मैंने दिया तो मुझे कितना अमरूद मिलेगा? एक ठो। दो ठो दे दो। ले लीजिए, दो ठो ले लूं। आपको जो पसंद आप मुझे दो दे दो बस। थैंक यू यार, मुझे फ्री में मिल गया। मेरे पास अभी भी 9 रुपया बचा है। बिजनेस वूमेन बन गई मैं तो। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ये मेरे मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ अमरूद है। पकी पकी मीठी मीठी ताजा ताजा अमरूद। सच में बहुत मीठा भी है। गाइस अभी दोपहर के 3 बज चुका है और मुझे मोमो खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मेरे पीछे देखो वाओ मोमो। तो चलो जल्दी चलते हैं और ट्राई करते हैं मोमो खाने का। भैया एक्चुअली आज मैं एक चैलेंज कर रही हूँ जहाँ पे मुझे 10 रुपीज में सारा दिन गुजारना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास 9 रुपया है। आप अगर मुझे कोई काम बोलो, बर्तन धोने बोलोगे बर्तन धो दूंगी, डिलीवरी करने बोलोगे डिलीवरी कर दूंगी, मैं चल के जाके डिलीवरी करके आऊंगी, कुछ भी बोल दो ठीक है मैं कर दूंगी। मुझे बस आप कुछ कम पैसों में मोमो खिला सकते हो? अगर हम करें तो करें क्या? मैनेजर साहब मैं बोल रही थी कि आज ना मैं एक चैलेंज कर रही हूँ जहाँ पे मुझे 10 रुपए में पूरा दिन गुजारना है, ठीक है, तो मैं आप जो भी काम बोलोगे मैं कर दूंगी, बट आप मुझे बस एक मोमो खिला दो कम पैसों में। आप मोमो खाएंगे? मैं हाँ जी मोमो खाना है। कुछ काम दे दो मैं कर दूंगी। काम तो मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कोई काम नहीं है, खुद काम कर लूंगा। नहीं आप खुद क्यों करोगे, मैं करूंगी। वो मेरे कंपनी मेरे को अलाउ नहीं कर रहा ना। मैं तो आप कितने रुपए में मुझे मोमो दे सकते हो मिनिमम? मेरे पास 72 रुपीज में मोमो मिलेगा। अभी मेरे पास 9 रुपया है। 9 रुपया मोमो क्या खिलाऊंगा? 70 रुपीज तो नहीं है। थैंक यू, नहीं हुआ गाइस, नहीं हुआ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? गाइस मोमो खाने का बड़ा मन था पर मोमो तो मिला नहीं, तो अभी क्या करूँ, अभी ढूंढ लूंगी आसपास कोई भी अगर होटल मिल जाए छोटा वाला तो वहाँ पे जाके कन्विंस करूंगी, और क्या ही कर सकती हूँ। बट अभी भी मेरे पास 9 रुपया बचा तो है, देखते क्या होता है। गाइस अभी इतनी जोर की भूख लगी है ना कि मैं और रह ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 बज चुका है और मेरे पीछे देखो ये एक ढाबा है, ठीक है ना, एक्सप्रेस ढाबा, तो होपफुली यहाँ पे मुझे कुछ तो खाना मिल ही जाएगा। भैया एक्चुअली मेरे पास ना ज़्यादा पैसा नहीं है, मतलब मेरे पास सिर्फ 9 रुपये हैं जो कि मैं पूरा खर्चा नहीं कर सकती। अच्छा। मैं अभी आपको 4 रुपये दे सकती हूँ और मुझे कुछ खाना चाहिए। 4 रुपये में क्या मिलेगा? कुछ भी आप जो भी दोगे। कुछ भी खाना थोड़ी मिलेगा। अच्छा अगर आप खाना नहीं दे सकते हो, मैं आपके लिए कोई भी काम कर सकती हूँ, मतलब मैं आपके लिए बर्तन धो सकती हूँ। बर्तन धोने के लिए तो लोग रखते हैं हम। ठीक है आदमी है कोई बात नहीं, बट एक बार खाना के लिए मैं कुछ बर्तन आपका धो देती हूँ, तब तो आप मुझे खिला पाओगे। ठीक है बर्तन मांजना पड़ेगा। ठीक है खाइए, मांजना तो पड़ेगा ही, ये खोया दो। ठीक है पहले खा लेते हैं बाद में देखा जाएगा। So guys, मैं खाना खाने आ तो चुकी हूँ, बट पता नहीं अभी मुझे 4 रुपए देना पड़ेगा या फिर बर्तन धोना पड़ेगा, आई डोंट नो, बट पहले खा लेते बाद में देखा जाएगा यार।
गाइस मुझे इतना सारा आइटम मिल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। ये देखो यहाँ पे दाल है, राइस तो है ही, भाजी है और सब्जी भी है और साथ में एक पापड़ भी। तो चलो यार पेट पूजा करते हैं। भूख लगी इतनी जोर से भूख लगी थी ना कि फटाफट खा लिया मैंने पूरा थाली। बट अभी डर लग रहा है गाइस, शायद बर्तन धोना पड़ेगा, पता नहीं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। गाइस मैंने सोचा था कि मुझे 4 रुपए में खाना मिल गया था, पर मैंने मजाक में बोल दिया था कि बर्तन धोऊंगी और अभी तो सच में बर्तन धोना पड़ेगा गाइस। पेश है स्कॉच ब्राइट स्क्रब स्पॉन्ज, ठोस आसान पकड़ के साथ, ताकि अब जितने भी गंदे बर्तन हो धोना हो जाए आसान। फाइनली गाइस यही शायद एक काम था जो बाकी रह गया था मेरी जिंदगी में, वो भी कर लिया। थैंक यू भाई, हाँ मैंने धो दिया सब कुछ। थैंक यू आपने फ्री में मुझे खिलाया। टिशू मिलेगा क्या गाइस? टिशू भी फ्री में ले लिया मैंने। गाइस फाइनली मुझे अंकल दिख गए और अंकल के पास है खजाना आइसक्रीम का। 5-10 है। आप मुझे 5 वाला 2, बट मेरे पास देखो अभी ना 9 रुपया है, मैं सिर्फ आपको 3 रुपया दे सकती हूँ। 3 रुपये में दोगे? गाइस फाइनली मुझे जैकपॉट मिल गया आइसक्रीम, वो भी 3 रुपए में। गाइस ये जो 3 रुपए वाला आइसक्रीम है ना, बिल्कुल स्कूल टाइम की यादें दिलाती है, क्योंकि जब मैं स्कूल में जाती थी ऐसे ही आइसक्रीम और पेप्सी खाती थी, तो 3 रुपए की पेप्सी और मेरे नील हार्ट टैक्सी। सो गाइस यहाँ पे रस्ते में अचानक मुझे मेरी एक नील हार्ट मिल गई है, और मुझे ना एक चीज बताऊँ आपको, एक्चुअली मुझे ना मेट्रो में जाना है कहीं, तो इसीलिए ना मुझे मेट्रो का थोड़ा सा फेयर चाहिए था। क्या आपके पास 20 रुपीज होगा? अब नीलांजना दी ने बोल दिया है तो देना तो पड़ेगा। अब कितना फेयर का चाहिए आपको? 20 रुपीज होगा तो चले, हो गया, चल चलेगा। ये रहा। क्या चल गया रहा है ये? गाइज अभी ऑलरेडी शाम हो चुका है एंड मुझे बहुत जोर की भूख लग चुकी है, बट मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए है, तो अभी सोच रही हूँ शाम के वक्त थोड़े से गोलगप्पे खा लिए जाए। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे कहीं गोलगप्पे मिलते हैं या नहीं। गाइस पीछे देखो गोलगप्पे, बट पता नहीं कि 6 रुपए में मुझे कितना देगा। भैया कितना करके है? 20 का 6। और 6 का? अगर हम करें तो करें क्या? 6 रुपए का 2। अच्छा मेरे पास ना 6 रुपया ही है, तो आप 3 दे दोगे? अच्छा तो ये फिर 2 ही दे दो। खा लेते हैं गाइस, रात को कुछ और प्लान कर लेंगे। थैंक यू, अभी पैसा ले लो पहले आप। ए पूरी खाई ले पानी पूरी। जाए रे मले नहीं खानी तूनी पानी पूरी। एक्स्ट्रा वाला दोगे ना? एक्स्ट्रा नहीं दोगे? गोलगप्पे में तो एक्स्ट्रा मिलता है। 20 रुपए खाइए, मिश्रा दे देंगे। 20 रुपए खाइए ना। ये तो ना इंसाफी है भैया। अच्छा तो एक्स्ट्रा पानी दे दो। गाइस एक्स्ट्रा गोलगप्पा तो मिला नहीं, तो पानी से ही काम चला रहे हैं अभी। गाइस अभी मेरे पॉकेट में 0 रुपीज है, एक भी पैसा नहीं है, तो अभी मैं जाने वाली हूँ एक आंटी के घर, जिसको आप सब पहचानते हो ठीक है ना, क्योंकि मैंने उनके ऊपर प्रैंक किया था। तो चलो आंटी के घर, क्योंकि आंटी कुछ ना कुछ तो जरूर खिलाएंगी। आंटी दरवाजा खोल दो। तुम आ गई? हाँ एक बात बोलना है आपसे, इम्पोर्टेंट बात। हाँ, बोलो। हर रोज मैं आपसे मिलने आती हूँ। हाँ। बोल रही हूँ कि आज मैं सिर्फ खाना खाने आई हूँ, आपसे मिलने नहीं आई हूँ। क्या खाएगा बोलो? बाबू आपको दुख नहीं हुआ आपसे मिलने नहीं आई? आप जो खिलाओगे, जो आपकी मर्जी। तुम बैठो बेटा। थैंक यू आंटी। और आंटी हम लोग नहीं खाएंगे? नहीं, क्योंकि आज मेरा चैलेंज है। किसका? हाँ मेरा है। फ्री में 10 रुपए में इतना कुछ फ्री में मिलता है, तो हम तो रोज करेंगे ऐसा चैलेंज। मेरा बेटा है, मिलने आया नहीं खाने। अच्छा अच्छा आंटी मेरी माँ जैसी है ठीक है ना। हाँ। तो अगर मेरे चैलेंज में मेरी आंटी हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगी बोलो? है ना आंटी? सही बात है। तो चलो अभी मैं पेट पूजा करती हूँ। तो करना है इतना सारा खाना। ओ माय गॉड। के
कैसा बना बेटा? बहुत अच्छा आंटी, टू गुड। ए मिर्चा खा, मिर्चा खा। आपने तो लग रहा है, आपने तो मिर्चा भी बनाया, ये भी स्वीट हो गया आपकी तरह। ये देखो यार, मेरा चैलेंज है, तुम लोग ऐसे ऐसे कर रहा तो इतना कुछ खा के आई थिंक मेरा तो आज का डिनर भी हो जाएगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। अच्छा भी लगा बाबू लोग को चला आया। So guys, finally मैं वापस आ चुकी हूँ। मेरे पॉकेट में और एक भी पैसा नहीं है और मेरे अंदर बिल्कुल भी और एनर्जी नहीं है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। मुझे तो चैलेंज करके बहुत मजा आया गाइज। अगर आपको भी अच्छा लगा है और आप मुझसे नेक्स्ट टाइम कोई और चैलेंज करवाना चाहते हो देन कमेंट करो ना, क्या चैलेंज करूँ मैं वही करूंगी। तो आज का वीडियो इतना ही गाइज, बाय, लव यू।